नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। देश भर में मनाया जा रहा है गंगा दशहरे का पर्व। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, हरिद्वार काशी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा घाट पर लगाई आस्था की डुबकी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, देश भर में आज गंगा दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर काशी हरिद्वार समेत कई गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा रहा है। इस दौरान श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य अर्जित कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, सुबह 4 बजे से ही स्नान जारी है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है ये साफ साफ नजर आ रहा है। बता दें आपको, श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे जय मां गंगे के जय घोष लगाए। हरिद्वार और अन्य तीर्थ क्षेत्रों में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर बता दें आपको, हरिद्वार काशी में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से लोग पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में आज गंगा दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है और इस मौके पर देश के कोने कोने से हरिद्वार और काशी में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही प्रशासन लंबे समय से इस दिन की तैयारी कर रहा था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, किसी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो उसका खास ध्यान रखा गया है। बता दें आपको, यहां पर तस्वीरें जो सामने आई हैं ये बेहद खास है। आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। हरिद्वार काशी में भक्तों का सैलाब देखने को मिला है। बड़ी खबर बता दें आपको, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर बता दें आपको, पानी की किल्लत पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। जल संकट पर आज दिल्ली बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। आज सुबह 10:30 बजे प्रदर्शन करती नजर आएगी बीजेपी। दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे बीजेपी के नेता। बीजेपी के सांसद अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के सांसद। बीजेपी सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों में प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, जिस तरह की पानी की किल्लत देखी जा रही है, सियासी तकरार भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और देखा गया कल, किस तरह से मटका फोड़ प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया गया, तो वहीं बीजेपी भी अब आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी बीच बता दें आपको, दिल्ली सरकार के खिलाफ आज बीजेपी के सांसद सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा। लंबे समय से दिल्ली के लोग जल संकट से जूझ रहे हैं और इसको लेकर अब लगातार सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नगेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नगेंद्र, पहले देखा गया कल की तस्वीरों ने कितना कुछ कहा, किस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया, आज बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी और क्या कुछ जानकारी है प्रदर्शन को लेकर? नेहा, दिल्ली के अंदर कई चीज है जो कम नहीं हो रही है। एक तो दिल्ली में गर्मी कम नहीं हो रही है, दिल्ली में पानी की किल्लत कम नहीं हो रही है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली में पानी पर सियासत कम नहीं हो रही है। कल कांग्रेस की तरफ से 280 वार्ड्स में मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया, आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि भले ही चुनाव में साथ थे, लेकिन अब जबकि रहा अलग अलग है तो जो मुद्दे हैं वो भी अलग रहेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। आज भाजपा की तरफ से सभी सातों सांसद, जितने भी मौजूदा विधायक हैं वो, और सभी 70 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो माफ कीजिएगा, जो सभी 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में भाजपा कार्यकर्ता आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो अब भाजपा की तरफ से इसमें विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर गई थी दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामला बहुत टिपिकल है कि कौन किसको पानी देगा, किस तरह से क्या होगा, लिहाजा आप सुप्रीम कोर्ट के बजाय अपर यमुना रिवर बोर्ड जो है उसके पास जाइए, वो आपकी समस्या का हल
करेगी। और आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की सियासत में पीछे नहीं है पानी को लेकर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपर यमुना रिवर बोर्ड के पास जाइए, वो आपको पानी पिलाएंगे जिस राज्य से भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहाँ जा रही है? केंद्रीय केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल के पास। देखिए, सब इस पर राजनीति कर रहे हैं और विडंबना यह है कि दिल्ली के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसका समाधान किसी के पास नहीं है। अब भाजपा आरोप लगा रही है कि पानी जो है ये खुद आपसी मानती है कि सिर्फ 7% पानी जो है उसकी कमी आई है, लेकिन कटौती जिस तरह से हो रही है वो अपने आप में ही रिकॉर्ड है। और दूसरा ये कि टैंकर माफिया और पानी की लीकेज, इन सबको आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार रोक नहीं पा रही है। तो पूरी तरह से सियासत जो है पानी पर, वो तीनों राजनीतिक पार्टी, चाहे खुद सत्ता में रह रही आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर भाजपा, तीनों ही पानी पर जमकर सियासत कर रही थी। बिल्कुल नगेंद्र, लेकिन जिस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, सियासत के साथ साथ लोगों की जो समस्या है वो दिन ब दिन दिख रहा है किस तरह से बढ़ रही है, इसका समाधान आखिर कैसे होगा? या फिर हर साल की तरह इसी तरह से ये गर्मी भी निकल जाएगी? बिल्कुल नहीं, देखिए जो समस्या का हल है वो होना है, जो जैसा कि भाजपा आरोप लगा रही है कि 25-30% पानी जो है वो लीकेज से बर्बाद हो रहा है, जो पाइपलाइन के जरिए आता है, बड़ी पाइपलाइन जो है जी। और आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि उन्होंने काफी तादाद में जो पानी की पाइपलाइन लीकेज जहां होती थी उसको सॉल्व किया है, वो समस्या हल की है। दूसरा, पानी के जो टैंकर माफिया है उन पर रोक लगाना, तो आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि टैंकर माफियाओं के रोक लगाने के बावजूद भी दिल्ली की जनता की पानी की समस्या हल नहीं होगी। तो आप देखिए कि पूरी तरह से सभी इसमें सियासत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक दिल्ली के लोगों की प्यास बुझने वाली नहीं है। तो आप मानकर चलिए कि पूरी तरह से भगवान भरोसे दिल्ली वालों को छोड़ा गया है। बिल्कुल नगेंद्र, लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, लोकसभा चुनाव में देखा गया किस तरह से कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सियासत की जा रही है पानी को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और आप मानिए कि जब दिल्ली में चुनाव होंगे उस वक्त सर्दी हो रही होगी, तो गर्मी का एहसास दूर दूर तक उस वक्त नहीं होगा, पानी की प्यास उस वक्त लोगों को नहीं होगी, तो बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा उस वक्त नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कोई भी राजनीतिक दल इस पर समाधान के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, ये एक सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के लिए फिलहाल होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नगेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से एक और बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली में गहराता जल संकट और आप विधायक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करेंगे, सीआर पाटिल से मुलाकात करते नजर आएंगे आपके विधायक। दिल्ली को जल संकट से मिल सकती है थोड़ी सी राहत, हिमाचल दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देने को तैयार है। लगातार देखा जा रहा है दिल्ली में किस तरह से जल संकट बढ़ता जा रहा है, भीषण गर्मी के साथ साथ दिल्ली वासियों का जल संकट को लेकर समस्या लगातार देखी जा रही है। इस बीच बता दें आपको, हिमाचल दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देने के लिए तैयार है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है, इस बीच थोड़ी राहत की खबर सामने आ सकती है क्योंकि आप विधायक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, सीआर पाटिल से मुलाकात करेंगे आपके विधायक और यहां पर दिल्ली को जल संकट से थोड़ी सी राहत मिल सकती है इस मुलाकात के बाद। हिमाचल दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देने के लिए तैयार है, देखना होगा बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन अगर इस बैठक में कोई निष्कर्ष निकलता है तो उसके बाद दिल्ली वासियों को थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। सीआर पाटिल से मुलाकात करेंगे आपके विधायक और इसके बाद थोड़ी सी दिल्ली वासियों को जल संकट से राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। बड़ी खबर, हिमाचल दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देने के लिए तैयार है। तो दिल्ली में लगातार जल संकट जारी, इस बीच सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है
और अब देखना होगा कि विधायक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करेंगे, इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सीआर पाटिल से मुलाकात करेंगे आपके विधायक। एक और बड़ी खबर बता दें आपको, गृह मंत्रालय ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय में बैठक होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले से एक्शन में सरकार नजर आ रही है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी समीक्षा की जाएगी। यहाँ पर एनएसए डोभाल, आर्मी चीफ एलजी सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर बता दें आपको, जिस तरह से बीते दिनों देखा गया आतंकियों की ओर से कायराना हमला किया गया, उसके बाद से सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। सुरक्षा बलों की ओर से भी लगातार कार्रवाई जारी है। इस बीच गृह मंत्रालय में आज उच्च स्तरीय बैठक होगी। बैठक में तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय में अहम बैठक होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले से एक्शन में सरकार नजर आ रही है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी समीक्षा की जाएगी। एनएसए डोभाल, आर्मी चीफ और एलजी सिन्हा यहां पर बैठक में नजर आने वाले हैं। तमाम अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। गृह मंत्रालय में आज उच्च स्तरीय बैठक होगी। बैठक में तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय में ये अहम बैठक होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले से लगातार एक्शन में सरकार नजर आ रही है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी समीक्षा की जाएगी। एनएसए डोभाल, आर्मी चीफ एलजी सिन्हा भी बैठक में नजर आएंगे। तो बड़ी खबर बता दें आपको, गृह मंत्रालय में आज उच्च स्तरीय बैठक होगी। अमित शाह की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी, जो सुबह 11 बजे बैठक होगी। तमाम अहम चेहरे यहाँ पर नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले से सरकार एक्शन में नजर आ रही है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी समीक्षा की जाएगी। एनएसए डोभाल, आर्मी चीफ एलजी सिन्हा बैठक में नजर आएंगे। वहीं मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, शिवराज सिंह चौहान का आज भोपाल दौरा है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। 65 स्थानों पर शिवराज का स्वागत किया जाएगा। दोपहर 2:15 पर शताब्दी एक्सप्रेस से पहुंचेंगे भोपाल। बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक इनका भव्य स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। तो जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने बड़े मार्जिन के साथ मध्य प्रदेश में जीत हासिल की, क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने मध्य प्रदेश में, उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी में औहदा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान का आज भोपाल दौरा है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल आएंगे शिवराज सिंह चौहान। 65 स्थानों पर शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया जाएगा। दोपहर 2:15 पर शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल पहुंचेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक यहां पर भव्य स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। तो बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान का भोपाल दौरा है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल आएंगे शिवराज सिंह चौहान और 65 स्थानों पर शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया जाएगा। साथ ही बता दें आपको, दोपहर 2:15 पर शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल पहुंचेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर स्वागत करते हुए नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर बता दें आपको, पश्चिम बंगाल जाएगी बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम। बड़ी खबर, इस वक्त की चुनाव के बाद हिंसा का जायजा लेगी टीम। बीजेपी की ये टीम लगातार नजर बनाए हुए रविशंकर प्रसाद, ब्रजलाल और विप्लव देव जाएंगे बंगाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से बंगाल में हिंसा देखी गई। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम बंगाल जाएगी और ये टीम जिस तरह से हिंसा हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपेगी। बीजेपी में बता दें आपको, यहाँ पर 4 लोगों के नाम तय किए गए हैं। रविशंकर प्रसाद, ब्रजलाल और विप्लव देव जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को टीम रिपोर्ट सौंपेगी। तो बड़ी खबर, अक्सर देखा जाता है बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा देखने को मिलती है। इस बीच पश्चिम बंगाल जाएगी बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम। चुनाव के बाद हिंसा का जायजा लेगी टीम। रविशंकर प्रसाद, ब्रजलाल और विप्लव देव यहाँ पर जाएंगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेगी ये टीम। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल जाएगी बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम।
साथ ही चुनाव के बाद हुई हिंसा का जायजा लेगी बीजेपी की टीम और रविशंकर प्रसाद, ब्रजलाल और बिप्लव देव जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को ये सौंपी जाएगी रिपोर्ट, जिसके बाद आगे किस तरह से कार्रवाई होगी इस पर फैसला आ सकता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पर बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम जाएगी, चुनाव के बाद हुई हिंसा का जायजा लेगी। रविशंकर प्रसाद, ब्रजलाल और बिप्लव देव बंगाल जाएंगे। एक और बड़ी खबर, आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है नोएडा पुलिस की ओर से। नोएडा में आज से लागू हो गई है धारा 144। आज से 19 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। बकरीद और गंगा दशहरे को लेकर कर्फ्यू लगाया गया है। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर बता दें आपको, त्योहारों का सीजन है, इस बीच प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम तैयारियां भी की जा चुकी है और नोएडा से खबर है जहां पर आगामी त्योहारों को देखते हुए नोएडा पुलिस बिल्कुल अलर्ट नजर आ रही है। नोएडा में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। आज से 19 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। बकरीद और गंगा दशहरे को लेकर कर्फ्यू लगाया गया है। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। त्योहारों को लेकर नोएडा पुलिस की ओर से खास तैयारियां की गई है। नोएडा में आज से धारा 144 लागू हो चुकी है। 19 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। इसी के साथ ही बकरीद और गंगा दशहरे को लेकर कर्फ्यू लगाया गया है। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की ओर से। पूरी तरह से अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। आगामी त्योहारों को लेकर नोएडा पुलिस की ओर से खास तैयारियां की गई है। नोएडा में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। 19 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। बकरीद और गंगा दशहरे को लेकर कर्फ्यू लगाया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों को लेकर सभी संवेदनशील इलाकों में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए हुए है। इस बीच नोएडा में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। वही बता दें आपको कि आज से 19 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। और राजस्थान का मौसम इन दिनों काफी ठीक नजर आ रहा है। अब गर्मी का असर प्रदेश में काफी कम हो गया, जिससे लोगों को राहत मिली है। पिछले 8 दिनों से राज्य में आंधी और बारिश देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को प्रचंड गर्मी और तीव्र लू से काफी राहत का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अब राज्य में मानसून की दस्तक होने वाली है। इसी के चलते प्री मानसून की बारिश होने से काफी राहत मिली है। आने वाले 4 से 5 दिनों में प्रदेश में भीषण गर्मी देखने को नहीं मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 16 जून को प्रदेश के 18 जिलों में आंधी और बारिश देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें बारा, कोटा, हनुमानगढ़, झुंझुनू, प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, इसी के साथ ही जालोर, राजसमंद समेत 18 जिले शामिल हैं। इन इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश की लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके अलावा चुरू और झुंझुनू में बारिश के साथ लू चलने के भी आसार हैं। तो बता दें आपको, राजस्थान में लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बारिश के वजह से लोग भीषण गर्मी से अब थोड़ी राहत पाते हुए नजर आ रहे हैं। 18 जिलों में तूफान को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही राजस्थान के 18 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। लगातार देखा गया किस तरह से राजस्थान में पारा चढ़ता जा रहा था, लेकिन अब बारिश और तेज हवाओं की वजह से राज्य के लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 18 जिलों में तूफान और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें आपको, 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने की भी चेतावनी दी गई है। राजस्थान में जिस तरह की भीषण गर्मी देखने को मिली, उसके बाद से बारिश लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। लगातार देखा जा रहा है मौसम में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही बता दें आपको, राजस्थान में जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, लोग राहत भरी सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AM Network।